स्टॉक मार्केट में आपने इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द को ज़रूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। मैं हूं एडवोकेट जीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस फील्ड। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग किसी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के स्टॉक को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदना या बेचना, मतलब सेल या परचेज किया जाना जिसके पास कंपनी की गैर सार्वजनिक यानी कि नॉन पब्लिक स्टॉक की इन्फॉर्मेशन होती है, इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। चलिए आसान भाषा में बताता हूँ। आसान भाषा में जब भी कोई पब्लिक कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसके किसी अंदर के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लीक कर दी जाती है और वो भी सेबी को बिना बताए, तो ऐसी एक्टिविटी को, ऐसी लीगल एक्टिविटी को ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो इसकी देखरेख कौन करता है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो इसकी देखरेख के लिए सेबी ने बहुत ही कड़े नियम बनाए हैं, बहुत ही हार्ड रूल्स बनाए हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो सेबी होती है वो इन शेयर मार्केट की कंपनीज़ पर रेगुलर बेसिस पर जांच पड़ताल करती रहती है, उनको वो हमेशा उन पर नज़र रखती है, कड़ी नज़र रखती है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग किसी भी तरह से ना होने पाए। इसी कड़ी में एक बात आपको और बता दूं कि जब भी कोई कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व पाई जाती है तो सेबी उस कंपनी पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जुर्माना लगा देती है। और इसी के साथ साथ जब भी किसी कंपनी के लिए मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो उस जो कंपनी के जो शेयर की वैल्यूज होती है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगती हैं, जिससे उस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के इनसाइडर ट्रेडिंग से खुद भी दूर रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।